तो वहाँ सब कुंड का नाम है। दे दे ना मिलो पनी वह पनी दे देनी है नरियर वो फोड़ो वह पनी दे देनो मत हो सूर्यकुंड भारत का जो है उच्चतम कुंडों में से एक कुंड है। ये जो है 88.5 डिग्री टेम्परेचर है इसका, और ये जो खासियत क्या है, त्रेता युग के जो है राम वनगमन से जुड़ी हुई एक घटना है। एक समय जो है जब राम इधर से वनगमन में गुजर रहे थे, तभी जो है यहाँ तपस्या में बैठे हुए मुनि लोगों ने उनको रोका और कहा कि दिन दुखियों की जो है सेवा के लिए आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने अपने बाण से चलाया और अग्निबाण से जो सूर्यकुंड का निर्माण हुआ, जो सबसे उच्चतम कुंड है, 88.5 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद बगल में सीता कुंड है, उनके स्वभाव के मुताबिक बिल्कुल शीतल है। उसके बाद बगल में लक्ष्मण कुंड है, जो उनका स्वभाव था उस तरह से उसमें है। उसके बाद ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा का जो स्वरूप था, जो विचार था उसके मुताबिक उस कुंड का है। उसके बगल में जो है एक भरत कुंड है, उसका भी टेम्परेचर जो है उसके अनुसार है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ जो है दूर दराज से सूर्यकुंड में ब्राह्मणों के द्वारा जो है संकल्प करके आंवले का फल डलवाया जाता है, और व्यक्ति जिस इच्छा के लिए संकल्प ले करके वो करता है, अगर उसकी इच्छा पूर्ण होनी होती है भगवान की कृपा से, तभी वह आंवला का फल ऊपर आता है, अन्यथा वो नीचे ही रह जाता है। और आने के बाद उसके विधान हैं, विधान बतलाए जाते हैं, और खाने के बाद जो है उसका इच्छा पूर्ण होती है। यही सूर्यकुंड की महत्ता है। Thank you.